एक ऐसे समय में जबकि पूरा विश्व कोरोना वायरस महामारी से जूझ रहा है, ऐसे महासंकट काल में पालघर से आया एक वीडियो और दुखद समाचार स्तब्ध कर देता है। वे लोग जिन्हें घर के अंदर रहकर लॉकडाउन का पूरा पालन करना था, वे लाठी और घातक हथियार से लैस है। इन्हें मास्क की भी कोई जरूरत नहीं, इनको तो खुद ही मर जाना चाहिए जो निहत्थे साधुओं और उनके ड्राइवर पर हमला कर उनकी निस्संह हत्या कर देते हैं। महाराष्ट्र के पालघर में जूना अखाड़े के दो साधुओं की हत्या बेहद ही शर्मनाक है। इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। अब सवाल ये है कि महाराष्ट्र पुलिस की मौजूदगी में कैसे संतों की हत्या कर दी गई। हालांकि दो साधुओं समेत तीन लोगों की पीट पीट कर हत्या के मामले में 110 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन पूरे मामले पर सोशल मीडिया में कई सवाल पूछे जा रहे हैं कि आखिर लॉकडाउन में 300 से ज़्यादा लोगों की भीड़ कैसे इकट्ठा हो गई। पुलिस संतों को बचाने के बजाय भाग क्यों रही थी? पुलिस ने संतों को बचाने के लिए हवाई फायर क्यों नहीं किया? सवाल ये भी है कि दोनों संतों को बचाने की बीच बचाव करने की कोशिश किसी ने आखिर क्यों नहीं की? महाराष्ट्र पुलिस की संदिग्ध भूमिका के अलावा इस पूरे मामले पर तथाकथित लिबरल और सेकुलर लोगों की कोई प्रतिक्रिया न आना एक बार फिर इन लोगों की पोल खोल देता है। मोब लिंचिंग को लेकर जो तथाकथित सेकुलर लोग जमीन आसमान एक कर देते हैं, वही लोग आज महाराष्ट्र पुलिस की मौजूदगी में दो संतों की हत्या पर चुप है। इस दर्दनाक हादसे पर ना तो राहुल गांधी, ना प्रियंका गांधी, अरविंद केजरीवाल, ममता बनर्जी, ओवैसी, किसी की भी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, जबकि तबरेज अंसारी समेत दूसरी घटनाओं पर इन लोगों ने जमकर प्रतिक्रिया दी। इसके अलावा तथाकथित सेकुलर पत्रकारों ने भी इस पर चुप्पी साध ली है। संतों की हत्या पर इन लोगों की तरफ से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई है। तबरेज मामले को लेकर ट्वीट करने वाले आखिर संतों की मोब लिंचिंग पर चुप क्यों है? आप भी देखिए इन सेकुलर लोगों के ही तबरेज अंसारी वाली घटना के ट्वीट्स। पालघर में दो संतों की हत्या पर मीडिया हाउस के दोहरे चरित्र की भी पोल खुल गई है। आइए हम आपको बताते हैं कि कैसे पालघर की घटना और दूसरे मोब लिंचिंग घटना को लेकर मीडिया की क्या भूमिका रही है। एक तरफ जहां मुस्लिम समुदाय का नाम खुलकर लिखा जाता है, जबकि पालघर मामले में न तो नाम और न ही पीड़ित साधुओं को बताया। फिलहाल इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।